हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तुम्हें पता है कहाँ से हो रही है, मेरे गांव से। देखो इतने खूबसूरत पहाड़। और तुम्हें एक बात बताती हूँ मैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो कैसे हो आप सभी लोग, होपफुली सब बढ़िया होंगे। और हम तो एकदम मस्त हैं, और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और तुम पीछे देखो कैसे पूरा देखो तो यार एक तो तुम्हें मेरी वॉइस के पीछे ऐसे सूं करके कुछ सुनाई दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे घर से बहुत नीचे पास में नदी है, हमारे यहाँ पे अस्सी गंगा नदी निकलती है, तो इस वजह से उसकी जो वॉइस है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली आती रहती है, तो वो वीडियो में आ रही होगी। आज के ब्लॉग की शुरुआत तो वैसे तो मैं अभी कर रही हूँ 8:30 बजे से, बट तुम्हें एक बार बताती हूँ, आज मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे और 6:15 बजे के अराउंड उठ गई थी, और प्रहान उठ गया था। मतलब सबसे पहली बात कि प्रहान उठ गया था, वो कभी जल्दी उठता नहीं है। मोंटी तो खैर जस्ट अभी उठ रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे नया था तो नींद नहीं आई, और इतनी सुबह सुबह कमरे के अंदर एकदम से उजाला आ गया, नींद तो खुलेगी। फिर दादी जी ने गाय निकाल दी बाहर, और गाय के गले में हम लोग ऐसे घंडोला ऐसे बोलते हैं वो पहनाते हैं, तो वो ऐसे टन 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 ऐसे बज रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था भाई कोई घंटी बजा रहा है, तो मेरे को भी नींद नहीं आई इसलिए मैं उठ गई। तो और तुम देख रहे हो यार कितनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब बहुत मज़ा आ रही है। जैसे ना नई जगह पे आती हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है। तो कल क्या हुआ कि हम नीचे सोए दादा दादी के रूम में, और भाई मेरी नाक में इतनी खुजली, मोंटी की नाक में मेरी पूरी आँख मेरी सुबह रेड हो रखी थी। फिर सुबह दादा आए, और दादा ने उनके पास आई ड्रॉप था, हाय बोलो अंकल, गुड मॉर्निंग। प्राण अभी दोबारा सो गया था, फिर अभी उठ रहा है। हाँ तो दादा आए, और मेरी आईज ना ये वाली अभी तो देखो काफ़ी ठीक हो गई है, पूरी ये एरिया रेड हो गया था। फिर दादा ने कहा क्या हो रहा है, मैंने कहा मैं कल से जब से आई हूँ तब से मेरी आँख में खुजली हो रही है, तो मैंने कल दादा को तो बताया नहीं। फिर दादा के पास आई ड्रॉप था, तो दादा लेके आए, फिर मैंने वो आँख में डाली, अब जाके मेरी आँख दर्द मतलब ठीक हुई है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम अपने इस मतलब मैं अपने वाले कमरे में ही सोऊंगी, क्योंकि मैं यही सोती हूँ, बट प्राण की वजह से मैंने सोचा दादा दादी के साथ सोती हूँ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया कि हम ऊपर ही सोएंगे, क्योंकि नीचे कोई नहीं सो पा रहा है, नीचे हम तीनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। तो चलो चलते हैं अब किचन में। तो ये देखो मेरी दादी का सुंदर सा चूल्हा, और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। दादी ने चढ़ा दी, दादी ने चढ़ा दी, बैठ जा, तू तो खाती नहीं राजमा। मेरे को अभी वाला गाना याद आ रहा, कौन सा? अरे मेरी कमरा पेड़ा। ये डाल देती हूँ यार, है ना, ये हमारे घर के मसाले हैं, मेरी दादी ने उगाए हैं घर पे, है ना दादी? मेरी दादी अपने सारे मसाले खुद से उगाती है। आप देखना इधर कम और लगा नहीं इसमें लकड़ी, आप मैं और लगाऊं लकड़ी? हाँ
फुलके बन रहे हैं। कोदे की रोटी ना दादी, मंडुआ की। अच्छा मंडुआ। हमसे ज्यादा तो दादी को पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कोदा को हिंदी में क्या बोलते हैं। मंडुआ कहते हैं। कितनी अच्छी बना रही है दादी, मतलब जैसे आप बनाते हो ना दादी ऐसी प्रॉपर, ऐसे तो मैं गेहूं की भी ना बना पाऊं जैसे आप मंडवे की बना ले रहे हो। ब्राउन क्या करो यार दादी, थोड़ा अनपढ़ हूँ ना, कम पढ़ी लिखी हूँ। तेरी नाक में अभी तक एलर्जी हो रही ना मेरी तो, जब सुबह दादी ने मेरे को आई ड्रॉप दी ना, उसके बाद से मेरे थोड़ा ठीक हुआ है ना दादी। कैसे हो रखा था ना सुबह, मेरा आँख पूरा लाल एकदम, देखो कैसे फूल रही है। मैं बेट कर सकती हूँ कि कोई ऐसी मंडवे की रोटी नहीं बना सकता जैसे मेरी दादी बनाती है, और उसमें कुछ और मिक्स नहीं है जैसे हम बनाते ना दादी। तो हम क्या करते हैं उसमें ना, मतलब मैं तो नहीं बना पाती हूँ, पर जैसे मेरी सास वगैरह बनाती हैं तो उसमें ना वो डालती हैं गेहूँ का आटा, तब जाके ऐसी बन पाती हैं। ऐसी भी नहीं बन पाती हैं, आप तो इतनी पतली पतली बना रही हो। वेरी नाइस। किसी ने खा लिया क्या नाश्ता? एक नजर लगी आगे पर। आप देख रहे हैं ना पहली बार मंडवा की रोटी। तू भी खाएगा? आप खाओगे? नहीं डोरा केक, डोरा केक किसी किसका था? मैं भी देखती हूँ ब्रो, डोरेमोन का डोरा केक। बस मैंने मैगी बनाई है सबके लिए। कुछ बोल रहा है दादा आपको? मेरे दादा बहुत बीमार हो रखे हैं तो दादा भी कुछ बोलेंगे नहीं। कैसी लगी गाइस मैगी? अच्छी हो रही ना? पर जलाई है ना तुमने? हाँ थोड़ी जल गई थी। तो गाइस मेरा बन कैसा हो रखा, मैं बालों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इसलिए मैंने पूरे बाल इकट्ठे करके एकदम से ऊपर बना दिए। हाँ तो अभी लंच बनाने का टाइम हो गया था तो आज मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ लंच। तो मैंने बनाया राजमा और चावल, क्योंकि दादी ने सुबह ही राजमा लगा दी थी गैस के चूल्हे के ऊपर और वो भी पक गई थी। बात बाकी यार हाथ कैसे से हो गए मेरे, तुम लोगों को दिख रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि बर्तन सारे चूल्हे के हैं ना ये, और उन सब से ऐसे मस्त मस्त लगता है, अंगार का राख राख लगी रहती है। और फिर जिस पे मैंने चावल चढ़ाया उस पे दादी ने सुबह का वो करके रखा हुआ था, बाहर से राख लगा के रखी हुई थी ताकि वो गैस के ऊपर जले ना। ये देख इससे ऐसे बचा बचा के मैंने काम किया है ना, मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के बस मेरे हाथ गंदे ना हो, बट फिर भी मेरे हाथ गंदे हो गए। और मोंटी और बच्चे लोग सब इसी रूम में, और आज हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे रूम में ही सोएंगे क्योंकि नीचे वाले रूम में बिल्कुल मेरे को बहुत कल जुकाम लगने वाला था, तभी ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े नीचे सुखाने के लिए डाले हुए हैं क्योंकि धूप आई हुई है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि मुझे ये लेंगड़ा ये सब खाना पसंद है, तो हमारे यहाँ पर ना एक और चीज़ होती है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी दादी ने लगा रखी वगैया। अब तुम लोगों के यहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ वगैया बोलते हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा सा होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने इस सीज़न मतलब खाया ही नहीं था क्योंकि मम्मी ने इस बार लगा नहीं रखा है, और देहरादून में तो प्रकाश लोग तो जानते ही नहीं है कि ये क्या होता है, और तब बची मैं। तो अभी मैं गाँव आई हूँ तो दादी ने अभी तक दो चार पेड़ बचा के रखे हुए उसके पौधे ना, तो उन पर अभी काफ़ी लगा हुआ। तो मैंने कहा दादी यार ना राजमा की दाल के साथ मुझे हरी सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है, तो मैंने दादी वो खाते हैं वो बनाती हूँ। तो दादी अभी खेत में जा रखी है, मैं दिखाती हूँ। बुढ़ी तोड़ो, ये ऐसे दिल दिल के शेप के पत्ते होते हैं और इतना ही बचा है, पूरा दादी ने काट के फेंक दिया, अब यही बचा रखा है बस। ये मेरे लिए बचा रखा था ना आपने? हाँ। और ये हमारा नीचे पूरा चक है, चक मतलब गार्डन।
इसमें हम लोग ऐसे घास काटते हैं, मतलब इसमें और कोई घास नहीं काट सकता हमारे अलावा, क्योंकि ये पूरा नीचे नीचे तक हमारा है। और यहाँ पर मेरे अंकल ने ऐसे लकड़ी रखने के लिए बना रखा है छप्पर, है ना मस्त। ये देखो ये सारी लकड़ियाँ मेरी अंकल आंटी ने जमा करके रखी हुई है। इसके ऊपर कद्दू की बेल आएगी, ये सब उसके लिए है। ये हमारी गाय का घास, ये उसका प्रीटा सोतर, इसके ऊपर वो सोती है। और दादी ने कितने सारे पापड़ के पत्ते लगा रखे हैं गाइस, देखो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, इतनी सारी घास रखी है। और ये हल्दी लगा रखी है, हाँ बहुत पापड़ है, वो भी पापड़ है। अमर तो गाइस दादी मुझे बोल रही है कि नीचे ही आ जा और इनको दिखा, तो मैं उतरती हूँ नीचे, जो कि थोड़ा सा रिस्की है रास्ता। मम्मा आई यार, बाल क्या बांध रखे मैंने ऐसे जोगी बाबा की तरह आज, पर कोई नहीं, तुम लोग तो इग्नोर करो। वाओ इस बार बहुत सारे हो रखे हैं यार। हाँ बहुत सारे पेड़ पर दावर पिपिका नहीं इतना ही सब हमारे झाड़ी कहीं ये तो ही ये अखड़ा यहाँ भी बची इतखा जो नहीं बची घर पास पास बहुत सारी पूर्ण था तो पढ़ा ये नहीं पूरा बहुत आए तब जी देख ला मोल दावर पूर्ण आ गए। पेड़ बच्चा है वो अभी छोटा ही है। हाँ देख रहे हो तुम, दादी कह रही इसमें पूरे पेड़ में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा माल्टा है ना दादी, ये माल्टा लग रखे थे, बट इतना देखो ये इतना ज्यादा वो ओले पड़े ना अभी गांव में। कब पड़े दादी, कब पड़े ओले दाने, कब पड़े? मार्च अप्रैल। हाँ इतने सारे दाने पड़े ना कि जब उनपे छोटे छोटे जैसे, मतलब दादी कह रही थी पूरे पेड़ भर गया था, कि दादी को ना ऐसे सपोर्ट के लिए आओ एक और ये भी है मुझे चुभ रहा है, दादी को सपोर्ट के लिए ना नीचे से ऐसे पेड़ वो लगाने पड़े, लकड़ी लगानी पड़ी ताकि पेड़ झुके ना। पर इतने ज्यादा दाने पड़े मतलब ओले पड़े कि पूरा के पूरे हमारे माल्टा जड़ गए। और ये इस पौधे की फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग है, मतलब ये इस बार ही पहली बार फ्रूट देगा। नानी चपाप कर जाता क्यों, बंद कर दे चावल। हाँ चावल बंद कर दे, बहुत होगा दादी, नहीं है बहुत। चलो हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है, देख रहे हो और जिस नदी की मैं बात कर रही थी ना वो ये है, देखो इधर हम लोग घूमने आते थे, मतलब यहाँ से दिखती है कुछ, इसी की आवाज आ रही है वो वीडियो में। मेरी दादी का रिस्की रास्ता, उल्लू हाँ उल्लू ए बुढ़ी मेरा हाथ तो पकड़ लेती। ओ गॉड अभी खींचेंगे ना कल के, चलो अभी ये चलो चलो अभी ये बनाएंगे। इस बार हमने तोर की वो लगा रखी ना दाल, मैंने देखी उधर पेड़, अब मैं पहचान लेती हूँ। मैंने अपने घर जाके खाई तोर पहली बार, मैंने यहाँ कभी नहीं खाई थी, हमारे यहाँ होती नहीं है ना। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है, मुझे जुकाम लग गया इधर ना, मेरे को बहुत नाक में पता नहीं क्या हो रहा है, बस हो रहा है। आइए दिन देखो दोनों पागलों को तो जो मौसम हो रखा है ना अभी, हाँ जो मौसम हो रखा है ना अभी एक नंबर हो रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, बढ़िया एकदम मस्त हो रखा है, ठंडा लग रहा है। और इसको देखो बोल रहे हैं मुझे दिखाओ, हाय तो बोल दे उनको, हाय हाय हाय। हाँ चलो मैं तुमको दिखाती हूँ, अंशुल मैं मारूंगी, मैं तुमको दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है मौसम। मौसम देखो एक बार को, और ये हमारा कुत्ता, और ये दोनों को देखो, ये प्राण को देखो, प्राण खेल रहा है, और ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं।
दोनों गपोड़ी लगा रहे हैं। और ये फूल कौन से हैं यार, मुझे इनका नाम बताना कोई। इनको देखो ये कितने सुंदर लग रहे, इनको देखो कितने सुंदर लग रहे। और ये हमारा ऊपर पूरा गांव है। तुझे इस काम में नौकरी दे देनी चाहिए। उस पत्थर को देखो कितने ऊपर चढ़ रहा है। कहाँ है? वो छुप गया उसके पीछे। अंकल भी उसी को भगा रहे हैं। और डुगु को दिख नहीं रहा वो। डुगु है। डुगु अंदर। और क्या कर रहे हैं? कहाँ है बंदर? कहाँ है बंदर? ये देख रहे हो तुम? ये है बंदर। ये बैठा हुआ है। कैसे कैसे अंधा है तेरा यार? वापस क्यों आ रहा है? और हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए, जो कि दादी ने मस्त दरवाजे की तरफ अपना बिस्तर लगाया है। हाय बोलो गाइस। हाय दादी, कहाँ है? हाथ लगा दादी। चलो आग में आई ड्रॉप डालनी पड़ रही। आज तक जीवन में आई ड्रॉप नहीं डाली, आज डाली सुबह। अब फिर से होने लगी खुश में। तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं तुमको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कर देना गाइस प्लीज़।